आज हमारे पास ये नारियल है और आज हम इस नारियल को नारियल से बाउल बनाने वाले हैं। तो गाइज आप लोग वीडियो में बने रहे, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इस नारियल का छिलका हम लोग निकाल लेते हैं। तो गाइज आज बहुत ही सुंदर कटोरा बनने वाला है इससे। तो गाइज आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। गाइज ये देखिए हमारा नारियल का छिलका निकल गया है। तो गाइज अब हम इसको सैंड पेपर से चिकना कर लेते हैं, यानी रेगमाल से। तो गाइज ये रहा हमारे पास ये रेगमाल, और अब हम इसको रेगमाल से खूब सही से चिकना कर लेते हैं। तो गाइज देखिए चिकना होने लगा है। तो गाइज इसी तरीके से हम फटाफट चिकना कर लेते हैं इसको। गाइज ये देखिए हमने इसको रेगमाल से एकदम चिकना कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज अब बारी है इसको ग्लेंडर से कट करने की। तो गाइज अब हम पिलक लगाते हैं इस बोर्ड में और चालू कर एक मिनट। तो गाइज सेफ्टी के लिए हम ग्लव्स पहन लेते हैं। गाइज ये देखिए हमने बराबर से इस पर निशान लगा दिया है, अभी पूरा नहीं कट किया क्योंकि इसके अंदर पानी भी भरा है, वो देख सकते हैं। तो गाइज अब हम इसको प्यार से निकाल लेते हैं किसी तरीके से। तो गाइज ये देखिए हमने इसको दो टुकड़ा कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज अब पा रही है इसके अंदर से गरी निकालने की। तो गाइस फटाफट हम इसके अंदर से गरी को निकाल लेते हैं। तो गाइज ये देखिए हमने दोनों टुकड़ा खाली कर लिया है। तो गाइज अब बारी है इसको नीचे से पहले अंदर हम थोड़ा इसको बराबर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सुपर ग्लू से इधर चिपका देंगे और उसके बाद कुछ कलर के लिए इसमें हम कुछ लगा देंगे। तो गाइज आप लोग वीडियो में बने रहे, हम लोग इसको सबसे पहले बराबर करके चिपका लेते हैं। तो गाइस ये देखिए दोनों टुकड़ा काफ़ी सही से बराबर हो गए, और अब बारी है इसके अंदर थोड़ा सा बराबर करने की। तो गाइस हमने इसके अंदर भी सही से बराबर कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस अब सिंपली हम इसको नीचे से चिपका देंगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हमने इसको
फेविक क्विक से चिपका दिया है और अब बारी है इसको थोड़ा चमक देने की। तो इसके लिए हम इस पे लगाने वाले हैं पॉलिश, जो कि लकड़ी पे और या दरवाजे पे लगता है। तो गाइस उसी से हम इसको थोड़ा सा कलर देने वाले हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो गाइस ये देखिए पॉलिश हमारे पास आ गया है और अब हम इस पे थोड़ा सा पॉलिश लगा लेते हैं। तो गाइस ये देखिए हमने इसको अंदर बाहर पॉलिश कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस अब वेट करते हैं थोड़ी देर सूखने के लिए। तो गाइस काफ़ी टाइम लगा इसको सूखने में, हमने इस पर पॉलिश किया था और पूरे 24 घंटा लग गया इसको सूखने में। तो गाइस अब हम थोड़ा इसमें डिज़ाइन बना लेते हैं ड्रिल मशीन द्वारा। इसी तरीके से हम डिजाइन चारों तरफ बना लेते हैं थोड़ा फैंसी लगने के लिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लगने लगा, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ये चारों तरफ छेद करने के बाद डिज़ाइन कुछ और अच्छा लगने लगा। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अभी तक ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। तो गाइज़ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।